दोस्तों हाल फिलहाल में दिवाली आ गया है, तो दिवाली के शुभ अवसर पे इस तरह से नई नई मिठाई बनाइए, नई नई स्वीट डिश बनाइए जो मेहमान तारीफ करके जाएं और खाने में मजेदार लगे, स्वादिष्ट रहे और हेल्दी रहे 100%। तो इस तरह से नई रेसिपी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग रेसिपी बना पाएंगे। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा और देखिए इस तरह से हेल्दी और टेस्टी बेसन के चूरमा लड्डू बनाइए इस दिवाली पे, जो बनाने में आपको आसान लगे, कम टाइम में बने लेकिन हेल्दी और टेस्टी बहुत ज्यादा रहे। तो मेरे घर में सब लोग पसंद किए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ अब रेसिपी बनाने। नमस्कार दोस्तों, साधना किचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ले लेना है 1 कप छननी में बेसन, 1 बाउल में छान लेना है। बेसन को बिना छाने ना लीजिएगा, जिसे गांठ गुठली बिल्कुल ना रहे, छानने के बाद में इस तरह से एकदम फ्रेश हो जाता है। अब उसी कप से लेना है 4 हिस्सा में 1 हिस्सा सूजी, यानी 1/4 हिस्सा। अब इसी में 1 कप दूध लेकर के थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, पूरा 1 कप दूध नहीं डालिएगा, मतलब इसको घोलने के बाद में इसका थिकनेस पता लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसको घोल तैयार करना है और ज्यादा गाढ़ा ज्यादा पतला नहीं होगा। अभी इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है जिसे गांठ गुठली ना पड़े। बिना गांठ गुठली के इसे तैयार करना है तो हल्का सा और अभी इसमें दूध पड़ेगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज होता है दोस्तों, दूध में ही घोल तैयार होता है और टेस्टी इतना ज्यादा होगा कि आपको ये बिल्कुल नई रेसिपी मिलेगी, पहला बार मिलेगा YouTube पे रेसिपी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो देखिए अब वो फूल रहा है साइड में बेसन और सूजी। तब तक के लिए कढ़ाई बैठा के थोड़ा सा घी डाल के काजू और बादाम को भून लेना है। काजू बादाम बढ़िया से भुना जाएगा, पटपटाहट का आवाज आएगा। तो भुना जाने के बाद में इसको निकाल लेना है और निकाल करके वापस इसी कढ़ाई में और घी डालना है दोस्तों। और इस लड्डू को बनाना इतना आसान होगा, इतना आसान होगा कि आप लोग को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिसे आप लोग को इस रेसिपी को समझ आए और आप लोग हर त्योहार पे आसान तरीका से बना पाए। तो देखिए दोस्तों ज्यादा घी नहीं लगता है। अब इसमें सूजी और बेसन फूल गया तो 1 पिंच इसमें फूड कलर डालना है, जिसे थोड़ा और कलरफुल बने। तो कोई रेसिपी कलरफुल बनने पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो त्योहार वाली रेसिपी है दोस्तों, तो त्योहार वाली रेसिपी तो थोड़ा देखने से भी चटकदार होना चाहिए। तो देखिए ज्यादा घी नहीं लगता है, 2 स्पून घी है बड़ा स्पून से। अब इसी में छोटे छोटे पकौड़ी की तरह घी जब गर्म हो जाए तो इसको तलना है। तो इस तरह से इसको तलना है, पहले जैसे पकौड़ी पकाते हैं ना उसी तरीके से इस सारे पकौड़ियों को तल लेना है। बढ़िया से तल लेने के बाद में फिर देखिएगा कि कैसे मैं बनाती हूँ। दोस्तों इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मतलब खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा दोस्तों। तो दिवाली पे बनाइए, देख रहे हैं दिवाली के पटाखे कितने छूट रहे हैं। तो दिवाली आ ही गया है और आप लोग दिवाली में कौन कौन से पकवान बनाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसे 2-3 रेसिपी शेयर करी हूँ आप लोग के साथ, लेकिन इससे पहले मेरा ऑलरेडी चैनल पे ढेर सारा स्वीट डिश दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें आपको इजी मिलेगा, सिंपल मिलेगा तरीका देखने को। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा चैनल से स्वीट डिश की रेसिपी देखिए और इस दिवाली पे बनाइए जो दिवाली खास बने, घर के मिठाइयों से मने। तो देखिए इस तरह से पकौड़ियां हो गया तैयार बात बात में। अब इन पकौड़ियों को निकाल लेना है। इसी तरीके से जितना पकौड़ियां पकाना हो सारे पकौड़ियां पहले एक साथ तैयार कर लेना है। 1 कप बेसन से, मतलब हम लोग छोटे फैमिली हैं इसलिए 1 कप बेसन से मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग ज्यादा फैमिली होंगे तो 2 कप बेसन 4 कप बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर जिस बर्तन से पहला इंग्रेडिएंट्स मापती हूँ उसी से सारा इंग्रेडिएंट्स रहता है दोस्तों,
जिसे आप लोग को समझ आए, और अगर ज्यादा भी बना पाए आप लोग तो समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए एक ही बर्तन का मेरा माप रहता है सारा इंग्रेडिएंट्स का। तो देखिए इस तरह से पकौड़ियाँ तैयार हुई। अब इसको तोड़ देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हल्का ठंडा हो जाए, ज्यादा ठंडा ना इंतजार कीजिएगा, हल्का ठंडा हो जाए ना तो फिर रेसिपी बनाने लायक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे तोड़ लेना है और छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। एक मिनट के बाद फिर देखिएगा कि इसको कैसे तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों एक मिनट हो गया है, तब तक के लिए एक मिनट में जो ड्राई फ्रूट भुनी थी काजू बादाम उसको भी कटिंग हो गया। अब बड़ा वाला ग्राइंडर जार लेना है, उसमें सारे पकौड़ियों को डाल देना है। अब इसको बढ़िया से फाइन ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसको होना चाहिए, एकदम रवा की तरह। एक चूरमा लड्डू है बेसन की, तो इतना ज्यादा परफेक्ट तरीका है दोस्तों, इस समझते सोचते ही आप लोग दौड़ेंगे किचन की तरफ कि मैं आज ही बनाऊंगी। इतना ज्यादा टेस्टी बना था कि एक बार बनाने के बाद चस्का लग जाएगा आप लोग को। तो देखिए सारा घी बच गया था, 2 स्पून घी था, सारा बच गया है, तो उसमें से और घी निकाल लेना है जो बाद में और काम आ जाए। और थोड़ा सा घी छोड़कर इसमें सारा पिसा हुआ पाउडर जो पकौड़ी का हुआ है उसको डाल करके और इसे थोड़ा सा भूनना है। इसको भूनने के बाद में ना इसका स्वाद बहुत जबरदस्त हो जाता है। इस तरह से अगर भून करके बनाएंगे ना तो मस्त आएगा इसका लुक और खास बनेगा स्वाद। तो देखिए इस तरह के से 2 मिनट, ज्यादा नहीं 2 मिनट तक भूनना होगा। 2 मिनट जब भुना जाएगा ना उसके बाद का प्रोसेस देखिएगा दोस्तों। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल, कहीं से भी आप लोग वीडियो देखते होंगे तो फॉलो कीजिएगा, वहां भी हमारी रेसिपी आप लोग को मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब यूट्यूब चैनल, कहीं भी आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे और आप लोग हमारे वीडियो को आसानी से देख पाए। मैं एक वीडियो डेली अपना चैनल पे अपलोड करती हूँ दोस्तों आप लोग को सीखने के लिए, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे ना तो आप लोग को भी मतलब फायदा है और मुझे भी थोड़ा खुशी मिलती है। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, एक कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत ज्यादा होने के बाद और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से हो गया भुना करके तैयार। बात बात में 2 मिनट लगा है इसको भूनते हुए टाइम, तो 2 मिनट से ज्यादा ना दीजिएगा फिर ज्यादा सूख जाएगा। धीमी आंच पे भुनिएगा, मीडियम पे, धीमी पे, हाई फ्लेम पे नहीं भुनिएगा। अब देखिए लेना है एक बर्तन, उसमें डालना है 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा चीनी है 1 कप बेसन में, और चीनी जितना है ना उससे आधा पानी है। अब इसमें 1 पिंच डालना है इलायची का पाउडर, और इलायची का पाउडर डाल करके इसे इस तरीके से चला करके पकाना होगा। और अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो 1 कप का ही है तैयारी, फिर गीला हो जाएगा, लड्डू बढ़िया नहीं बन पाएगा, चूरमा लड्डू जिसको नाम ही है दोस्तों, तो उसमें तो थोड़ा सा माप को ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको इस तरह से धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे करते हुए तेज आंच नहीं कीजिएगा, नहीं तो बन जाएगा फिर कैरेमल। तो देखिए इस तरह से चिपचिपाहट वाला चाशनी तैयार करना है, और इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब तक चीनी घुल जाए, चीनी जब बढ़िया से घुल जाएगा ना उसके बाद 1 मिनट और पकाइएगा जिससे चिपचिपाहट चाशनी में आ जाए। तो देखिए अब इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके जो रखी थी भुना हुआ, अब इसमें डालना है चाशनी। चाशनी एक बार नहीं डाल दीजिएगा, इसे धीरे धीरे थोड़ा करके डाल करके चलाना है जिसे गीला ना हो जाए। इस तरह से चला करके बढ़िया से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद में देखना है फिर कि मतलब कैसा है इसका थिकनेस दोस्तों। आप लोग ने अगर बेसन की चूरमा लड्डू बनाए हैं कि नहीं एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस रेसिपी को पूरा वीडियो देखने के बाद में कैसी लगी रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा।
जिससे मुझे भी थोड़ा सा इस त्योहार में खुशी मिले दोस्तों और खुशी आ जाए। तो त्योहार तो खुशियों का त्योहार ही होता है, तो क्यों ना हम लोग मिलजुल कर खुशियां बांटें और मुझे भी थोड़ा खुश कीजिए आप लोग एक कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। अब देखिए मिक्स हुआ है, इस तरह से छोड़ दीजिए थोड़ा सा रेस्ट के लिए एक मिनट। अब इतना थोड़ा सा चाशनी बच भी गया, तो देखिए एक मिनट के बाद जब एब्जॉर्ब कर ले बढ़िया से चाशनी, तब इस तरह से लड्डू को बना लेना है। जितना छोटा बड़ा लड्डू आप लोग को बनाना हो उस हिसाब से बनाइएगा। मैं तो मीडियम साइज के लड्डू तैयार कर रही हूँ, जो त्योहार पे देखने में भी खास लगे और खाने में भी बच्चे भी खाए। तो मतलब अगर मान लीजिए बच्चे तो मतलब थोड़ा सा कोई चीज खोजते हैं, तो मीडियम साइज के लड्डू बहुत बढ़िया रहेगा, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं है। तो लड्डू हुआ तैयार, अब ले लेना है थोड़ा सा नारियल का बुरादा, जिसको मैं ग्राइंड करी हूँ छोटा वाला मिक्सर जार में। ग्राइंड करने से ना इस तरह से फाइन पाउडर बनता है, तो इसका लुक बढ़िया बनेगा और इसमें बढ़िया से कवर करेगा। तो थोड़ा ग्राइंड कर लीजिएगा नारियल का बुरादा को, फिर उसके बाद इस तरह से कोट कर देना है एक एक लड्डू लेकर के। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है, जो देखने से खास लगेगा और खाने से कैसा लगेगा दोस्तों, आप लोग एक बार बनाइए इस रेसिपी को और तब बताइएगा जरूर। तो देखिए इसको बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है और कम सामान के साथ कम खर्चे वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा मजेदार है दोस्तों। तो इस दिवाली के अवसर पे बनाना बिल्कुल ना भूलिए, आप लोग बनाइए। अब देखिए इस तरीके से प्लेट में लगाने के बाद में इसका मस्त लग रहा है। अगर आप लोग मिठाई के जो होता है कंटेनर जो मार्केट में मिलता है, उसमें अगर भर के गेस्ट मेहमान किसी के यहाँ लेकर जाएंगे, किसी को देंगे दिवाली पे, तो सब लोग तारीफ करेंगे, बहुत ज्यादा मस्त लगता है दोस्तों इसका स्वाद से लेकर देखने का लुक भी। तो जरूर बनाइए ऐसी ऐसी नई नई रेसिपी, कम मेहनत वाली रेसिपी। दिवाली में ऐसे भी काम करते करते लोग थक जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ कि कम मेहनत वाली रेसिपी है लेकिन बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो शायद आप लोग को पसंद आ जाए। देखिए कितना मस्त लगने लगा इसका लुक। आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि कैसी लगी हमारी रेसिपी, और आप लोग को अगर आसान लगा होगा वीडियो तो जरूर बनाइए इस दिवाली पे इसको। इसको मैं अभी तोड़ती हूँ, देखिए तोड़ने के बाद अंदर से भी बहुत ज्यादा मस्त लगता है। तो इस लड्डू का नाम है बेसन का चूरमा लड्डू। मीठा खाने वाले जो लोग होंगे, अगर इस तरीके से आप लोग बना करके रख देंगे घर में, तो फायदेमंद रेसिपी भी है दोस्तों। और बनाइए, फिर मिलेंगे अगले दिन नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।